ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अजरबैजान के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। रईसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। ईरान सरकार की ओर से रईसी समेत सभी लोगों की हादसे में मौत की पुष्टि की गई है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर रविवार को अजरबैजान के इलाके में क्रैश हो गया था। इसके बाद से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था और आज सुबह ये हेलीकॉप्टर मिल गया, जिसके बाद इस हादसे में रईसी की मौत की जानकारी सामने आई। ये हेलीकॉप्टर क्रैश कोई साजिश है या फिर हादसा, ये फिलहाल साफ नहीं है। इस बीच इस हेलीकॉप्टर क्रैश में इजराइल की भूमिका को लेकर दावा किया जा रहा है। इस घटना के बाद इजराइल की एक न्यूज एजेंसी ने दावा करते हुए कहा था कि किसी के बचने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद इजराइल पर शक और बढ़ गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना को लेकर ईरान से जो भी रिपोर्टें सामने आ रही थी उस पर इजराइल की पूरी नजर थी। इसराइल इस घटना पर कुछ भी टिप्पणी करने से बच रहा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इसराइल ने साफ तौर पर कहा है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश की इस घटना से उसकी कोई भूमिका नहीं है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि ईरान के भीतर कुछ लोग दुर्घटना में इसराइल की कथित संलिप्तता के बारे में साजिश के सिद्धांतों को फैलाने की कोशिश करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने कहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश की ये घटना मौसम खराब होने की वजह से हुई है। इस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि ईरान की राजधानी से लगभग 600 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में अजरबैजान की सीमा के पास यह हादसा हुआ। रईसी रविवार को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने के लिए अजरबैजान में थे, जहां से लौटते समय यह हादसा हुआ। इस बीच इस हादसे के बाद अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इसराइल और ईरान की दुश्मनी से दुनिया वाकिफ है। हाल ही में ईरान ने इसराइल पर एक के बाद एक कई हमले किए थे। उसके बाद इसराइल ने भी ईरान पर हमला किया। ऐसे में अब ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद फिर से इसराइल पर सवाल उठने लाजमी है। इसराइल को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ट्रेंड करने लगी है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग ईरानी राष्ट्रपति की मौत के पीछे मोसाद का हाथ होने की बात कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर यह हेलीकॉप्टर क्रैश एक साजिश है तो इसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ हो सकता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।